हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी सर में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्फेटिक सेंटेंस कौन सा होता है और नॉन इम्फेटिक सेंटेंस कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं इम्फेटिक सेंटेंस जो है उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसको देखते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हैं ये इम्फेटिक सेंटेंस है, मैं जाता तो हूं। अगर इसका नॉन इम्फेटिक सेंटेंस बनाना है, मैं जाता हूं की इंग्लिश होती है आई गो, और मैं जाता तो हूं इसकी इंग्लिश क्या होगी ये हमने देखना है। इसी तरह से वह खाता तो है ये इम्फेटिक है, वह खाता है वो नॉन इम्फेटिक है। तो इसकी वह खाता है ही ईट्स और वह खाता तो है उसकी इंग्लिश क्या होगी। इसी तरह से जैसे ये प्रेजेंट में है और वह खेलता तो था ये पास्ट में है। तो ऐसे इम्फेटिक सेंटेंस जो है उनको हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे, आइए उसके लिए हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। दरअसल इसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज, अगर पास्ट में है तो डिड आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस अदर वर्ड्स। प्लस अदर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे मैं जाता तो हूं, तो मैं आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ डू और डज में से, यानी मैं जाता तो हूं ये प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ डू और डज में क्या आएगा, डू आता है, आई डू। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, आई डू गो मैं जाता तो हूं ये बनेगा इसका। वह खाता तो है ही, और ही के साथ अब डू और डज में से डज का इस्तेमाल करेंगे, He does eat। अगला तुम पढ़ते तो हो यू, और यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, यू डू, और पढ़ना क्या होता है, रीड, यू डू रीड, ये मेन वर्ब है यहां पे। वह खेलता तो था, अब जैसे ये जो तीनों सेंटेंस थे ये प्रेजेंट टेंस में थे, प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में है, वह खेलता तो था तो ये पास्ट में है ही। अब जब पास्ट की बात है तो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे डिड, ही डिड, और मेन वर्ब क्या है, खेलना, ही डिड प्ले। He did play। वे लिखते तो थे वे लिखते तो थे दे, क्योंकि पास्ट में है तो डिड आ जाएगा, दे डिड राइट। राम गाता तो था, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, राम गाता तो था इसको आपने बना के कॉमेंट बॉक्स में डालना है। इसी तरह से सपोज करो अगर सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव, जैसे ये सेंटेंस सारे अफर्मेटिव है, अगर सपोज करो सेंटेंस जो है इंपेरेटिव हो, कृपया गरीब की मदद जरूर करें, तो सीधी सी बात है इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले डू लगा दें। जैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डू प्लस सेंटेंस, डू प्लस सेंटेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे
कृपया गरीब की मदद जरूर करें। अब गरीब की मदद करें यह होता है हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर ये होता है गरीब की मदद करें। लेकिन इससे पहले अगर हम डू लगा दें, डू हेल्प द पुअर, तो डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर गरीब की मदद जरूर करें। कृपया इसमें डू लग जाएगा और प्लीज पहले आ जाएगा। प्लीज डू हेल्प द पुअर, कृपया गरीब की मदद जरूर करें, ये बनेगा इसमें। यानी कहने का भाव क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम डू लगा करके उसको इम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं। और ये जैसे सारे सेंटेंसेस जो है, मैं जाता तो हूं, इसका मतलब मैं जरूर जाता हूं, मैं अवश्य जाता हूं, ये है इम्फेटिक सेंटेंस, जोर डाल रहा है अपनी बात पे। तो इम्फेटिक जो सेंटेंसेज है बिल्कुल आसान है, इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट डू या डज। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, जैसे प्रेजेंट टेंस में है ये, तो उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट डू या डज का इस्तेमाल करें, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद डिड का इस्तेमाल करें। ये जो है आपके इम्फेटिक सेंटेंस है। आप में से किसी ने मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इम्फेटिक सेंटेंसेज में डिड का प्रयोग भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, डिड का प्रयोग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका प्रयोग होता है बिल्कुल। तो आपने जैसा देखा कि यहां पर वह खेलता जो था, ये बिल्कुल ये पास्ट टेंस है, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ही डिड प्ले, वह खेलता तो था। थोड़ी सी आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।